हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम बची हुई दाल से चीज़ पूड़ी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये सारी दाल मैं इस पतीले में डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालूंगी और इसको अच्छे से गूंथ लूंगी, जैसे हम लोग पूड़ी के लिए गूंथते हैं। और इसी में हम ऐड करेंगे थोड़ा नमक। नमक वैसे पहले दाल में है तो अभी कमी डालेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्च, आधे चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से गूंथ के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, आटा मैंने गूंथ दिया है, उसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया। अब इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। चीज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं ऑरेगानो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। जब तक तेल गर्म होता तब तक हम आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका थोड़ा सा मसल लेंगे। चकला और बेलन पे मैंने ऑयल लगा दिया। अब एक छोटी सी पूड़ी तलेंगे पहले, ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। तो चलिए बनाते हैं छोटी सी पूड़ी। चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। ऑयल एकदम गर्म हो गया अच्छे से। मैंने छोटा सा ये गोला लिया आटे का। अब इसको बीच में से थोड़ा सा हल्का हल्का साइड से दबा के और बीच से भी दबा के ऐसे करेंगे। अब इसके अंदर भरेंगे हम चीज़। अब इसको फोल्ड कर देंगे। फिर से इसका गोला बना लेंगे, अच्छे से दबा लेंगे। अब इसे पूड़ी बना लेंगे हम। ये देखिए, पूड़ी मैंने बेल लिया। अब इसको डालेंगे हम ऑयल में। अच्छे से फूल गई है। आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हो या आलू वगैरह कुछ और भी भर के बना सकते हो। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है और मेरे बच्चे तो बहुत इंजॉय करके खाते हैं इसको। तो आप भी बनाइए। चलो इसे निकाल देते हैं, अभी दिखाती हूँ आपको इसको। ऐसे हम सारी पूड़ियाँ बेल लेंगे, बना लेंगे। इसको भी निकाल लेंगे। मैंने थोड़ी प्लेन बनाई है और थोड़ी मैंने चीज़ वाली पूड़ियाँ बनाई है। तो इंजॉय करिए। आप सॉस के साथ भी खा सकते हो, दही के साथ भी खा सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो, किसी के भी साथ आप ये खा सकते हो। तो इंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।